महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। देशमुख के अलावा और कई अज्ञात लोगों पर पूर्व सीपी परमबीर सिंह के आरोप के मामले में केस दर्ज किया गया है। सीबीआई कई जगहों पर तलाशी भी ले रही है। सीबीआई जिन जगहों पर तलाशी ले रही है उनमें देशमुख का आवास भी शामिल है। देशमुख पर भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया गया है, जिसमें बाद से ही बीजेपी शिवसेना एनसीपी आमने सामने आ गई है। अनिल देशमुख पर सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए फ पर संजय राउत ने कहा कि सीबीआई का एजेंडा है, साथ ही हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। देखो सीबीआई की टीम है, सीबीआई का एजेंडा है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है और कुछ और कानून से ऊपर कोई नहीं। मुझे लगता है जो कार्रवाई अब सीबीआई ने की है उसके ऊपर अभी किसी भी प्रकार से मत व्यक्त करना या टिप्पणी करना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से अनिल देशमुख जी ने अपनी सफाई सीबीआई के सामने पहले ही दी। अब जो प्राइमरी रिपोर्ट जाना है हाईकोर्ट के पास, जो देना है वो दे देंगे, बाद में हम देख लेंगे क्या करना है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है सीबीआई अपना काम कर रही, हाईकोर्ट ने अपना काम किया है और महाविकास आघाड़ी भी अपना काम कर। सीबीआई इन एक्शन, सचिन वाझे गैंग 2000 कोटी, आता सीबीआईची एफआईआर, अनिल देशमुख वर कारवाई सुरू। काही दिवसात अनिल परबवर ही एक्शन दिसणार। दोन आणखीन मोठे नेते हे 2000 कोटीचा वाटपात हिशोबात इन्वॉल्व आहे। मला विश्वास आहे की एनआयए झालं, ईडी झालं, सीबीआई आणि पुढे इन्कम टॅक्स, सिरियस फ्रॉड ऑफिस, ठाकरे सरकारचा घोटाळ्याचा हिशोब जनतेसमोर येणार। पूर्व पुलिस कमिश्नर की शिकायत पर कुछ लोग कोर्ट गए और स्वयं कमिश्नर साहब कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने प्राथमिक इंक्वायरी के आदेश दिए थे। हमें जानकारी नहीं क्या कोर्ट के सामने प्राथमिक जानकारी बताई गई, क्या कोर्ट ने एफआईआर लॉन्च करने का निर्णय दिया है या आदेश दिया है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि देश में कानून से बड़ा कोई नहीं। अनिल देशमुख जी पहले भी इंक्वायरी में सहयोग कर रहे थे, किसी एजेंसी को कोई संदेह होगा निश्चित रूप से जांच कर सकती है, छापेमारी कर सकती है, एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला बनाया गया पहले दिन से पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। महाराष्ट्र में जो घटना हुई थी अंबानी जी के मकान के सामने बम लगाने की, आज तक वाजे किसके कहने पर ये काम कर रहा था इसको लेके कोई खुलासा एनआईए नहीं कर रही। कमिश्नर साहब का कितना रोल था ये नहीं बताया जा रहा है। लेकिन एक कमिश्नर जिसे हटा दिया गया, जो अपने अधिकारियों के साथ एक टीम बनाकर मुंबई पुलिस में काम कर रहा था, उसे हटाने के बाद उसके खत पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है। कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग करके सरकार को बदनाम करना, गृह मंत्री को बदनाम करना, ये सारा खेल चल रहा है। हमें पूरा विश्वास है न्याय व्यवस्था में, आज नहीं कल जो भी होगा सच्चाई सामने आएगी और जो राजनीतिक खेल है वो आज नहीं कल एक्सपोज होगा। सर मराठीत अनिल देशमुख यांच्या घरी, अनिल देशमुख यांच्या विरोधात महाराष्ट्र की जनता को जब मदद की जरूरत थी तो कोरोना के संकट का सामना करने के बजाय जिन्होंने वसूली को प्राधान्य दिया, ऐसे महाराष्ट्र के माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख पे आज सीबीआई ने एफआईआर तो ले ली है, रेड तो उनके ऊपर हुई है। लेकिन अनिल देशमुख जी ने जिनके नाम लिए, उनके भागीदारों के ये पैसा जिनको उन्होंने बांटा है, उनको भी तो सीबीआई का सामना करना पड़ेगा।
जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र में इन्होंने कायदा और सुव्यवस्था की स्थिति को खराब करके बनाया है, इसके लिए महाविकास आघाड़ी के सभी नेता जिम्मेदार है। अनिल देशमुख तो नहीं बचेंगे और भी नेता नहीं बचेंगे। सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।